गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम कश्मीर, और ये है मेरा दूसरा दिन कश्मीर में। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। अब मैं थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलूँगी, उसके बाद जाऊँगी श्रीनगर। श्रीनगर में कुछ साइट सीन्स करने हैं, जैसे ट्यूलिप गार्डन, डल लेक, मतलब अभी प्लान ऐसा ही है। अब वहाँ पहुँच के देखते हैं वहाँ पर क्या क्या देखेंगे। तो अब इन वादियों से निकल के चलते हैं श्रीनगर की वादियों में। फिलहाल यहाँ पर सनराइज हो चुका है और सीन कुछ ऐसा है, तो चलिए अब ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। ड्राई फ्रूट भी मिलेगा। ब्रांड से जितना वो दिन में सप्लाई करता है उतना कश्मीर को 5 साल भी नहीं निकलता है। जितना वो कश्मीर के नाम से आपको धोखा देता रहता है। हिंदुस्तान में वो कोई एरिया नहीं जहाँ मैं कोरियर नहीं करता हूँ। इसमें हजारों मिर्चें होते हैं, मैं सबसे बेहतर चीज़ है ये पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा में डल देख लीजिए, इसमें भी सेफ होता है। चश्मा शाही, ये है फ्लावर का गार्डन है, और यहाँ की एंट्री फीस है 24 रुपीज़ पर हेड, और अगर कोई चाइल्ड है तो उसका है 12 रुपीज़ पर चाइल्ड। यहाँ आने से पहले आपको एक चेकिंग करानी होगी, जहाँ पे आपको अपना सारा लगेज चेक कराना होगा, और उसके बाद अगर आप कार से नहीं आए हो तो कार से तो आ सकते हो, बट अगर बस से आए हो तो आपको वॉक करके आना पड़ेगा यहाँ तक। अब चलते हैं गार्डन के अंदर। गार्डन का एंट्रेंस यहाँ से है, ये रहा इसका नाम चश्मा शाही, ये रहा इसका एंट्रेंस। ये रहा इसका 360 व्यू।
गार्डन, चश्मे शाही, इसके बाद आपको दिखाऊंगी ट्यूलिप गार्डन। चश्मे शाही मतलब पानी का चश्मा, और यहाँ पे एक पानी का वाटरफॉल कुछ जैसा है जो जिसका पानी बहुत प्योर है, तो इसको आप लेके पी भी सकते हो। चलते हैं बोटैनिकल गार्डन में। यहाँ की टिकट है, कितने की टिकट है प्राची? 24 रुपीज पर हेड। यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, और यहाँ पे तो हद से ज़्यादा ग्रीनरी है। ये रहा, यहाँ पे बीच में पॉन्ड के बीच में है ढेर सारे फाउंटेन्स, और यहाँ से वो ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है वो है ट्यूलिप गार्डन, यहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में। ये पहाड़, बादल और ढेर सारी ग्रीनरी। ये रहा यहाँ का ताज होटल जो एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, और वहाँ से ये सारे ट्यूलिप गार्डन, बोटैनिकल गार्डन और डल लेक बहुत ही क्लियर और बहुत ही सुंदर दिखता है। ट्यूलिप गार्डन में, और इसकी एंट्री फीस है 59 रुपीज़ पर हेड, और पर चाइल्ड इट्स 24 रुपीज़। तो यहाँ से ट्यूलिप गार्डन है, इनके फ्लावर भी प्लक कर लिए गए हैं, बट उस साइड थोड़े से ट्यूलिप के फ्लावर हैं जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखा। ये रहे ट्यूलिप ऑरेंज कलर के, वो रहे रेड कलर के। बेसिकली मुझे ये देख के लगा कि अगर आप मार्च एंड से अप्रैल फर्स्ट वीक तक आते हो तो आपको बहुत सारे ट्यूलिप दिखेंगे, बट उसके बाद स्टार्ट मतलब 10th अप्रैल से स्टार्ट होते होते सारे ट्यूलिप या फिर सूख जाते हैं या फिर उगते हैं और सूख जाते हैं। तो अगर आपको फुल गार्डन देखना है ट्यूलिप से तो आपको मार्च एंड और अप्रैल स्टार्टिंग में आना होगा। और एक और चीज़ ये भी है कि ये एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। एक एरिया मुझे दिख रहा है, मैं उसके पास जाके आपको जो एक्चुअल मार्च एंड में होता है वो दिखाती हूँ। ये बच गया होगा शायद। मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई बिकॉज फ्लावर्स थोड़े कम थे, थोड़े क्या बहुत कम थे, तो या फिर वो सूख गए थे या फिर तोड़ लिए गए थे या फिर सूख के गिर गए थे। घूमते घूमते थक गए थे और भूख भी लग गई थी, तो अभी चलते हैं भाई, और अब हम लोग खा रहे हैं वेज बिरयानी। बहुत
टूटने वाला है, टूट रहा है। अरे साइड से पहले खा लो।